संसद में विपक्ष का हंगामा बुधवार को भी जारी रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल में भी व्यवधान हुआ। हालांकि कई अहम मुद्दों पर केंद्र की ओर से अहम जानकारियां सदन में रखी गई और महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी हुए। संसद में विपक्ष का हंगामा बुधवार को भी देखा गया। लोकसभा में प्रश्नकाल में भी व्यवधान हुआ। हालांकि कई अहम मुद्दों पर केंद्र की ओर से अहम जानकारी सदन में रखी गई। रेल मंत्री ने प्रश्नकाल में बताया कि पिछले एक साल में देश भर में रेलवे ने 1000 पुल का निर्माण किया है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। लास्ट ईयर वी कंप्लीटेड मोर देन 1000 फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस इन द एंटायर रेलवे सिस्टम एंड दिस मोमेंटम विल हेल्प सो मेनी एरियाज व्हिच ऑनरेबल मेंबर हैज अल्यूडेड टू that relates to the state government's contribution. We have actually requested many state governments that the 1 lakh crore fund which is being given by the central government for development of infrastructure, if that can be used for development of railways, it will be a very big saving grace for both the central government and the state government. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्रों की संख्या में 31% की वृद्धि हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा में 50% की बढ़ोतरी हुई है। लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है। SC महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब, और ST में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, और उसमें लड़कियों की अध्यक्ष महोदय 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की ST कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फॉलोआउट है। OBC में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में 45% बढ़ोतरी हुई है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया है कि पंजाब, झारखंड, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, तेलंगाना, मेघालय और तमिलनाडु ने CBI जांच के लिए दी जाने वाली सामान्य सहमति वापस ले ली है। इससे CBI जांच की गति पर भी असर पड़ा है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्र ने बताया है कि 7वीं आर्थिक जनगणना का फील्ड वर्क पूरा हो चुका है। हालांकि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनंतिम परिणामों को मंजूरी नहीं दी है और यह अनुमोदन पर निर्णय के लिए 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित है। इसलिए राष्ट्रव्यापी 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। वहीं पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जिसने 7वीं आर्थिक जनगणना में भाग ही नहीं लिया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया कि सहकारी बैंक में निवेशकों के डूबे पैसे उन्हें वापस दिलाने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया गया है। सहकारिता मंत्री जो माननीय मिश्रा जी हैं, उन्होंने पहल करके पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है, और इसमें अब तक लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और इसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है, और काफ़ी निवेशकों पैसा वापस भी हुआ है, और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। और चूँकि 5000 करोड़ रुपया हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण में कम वजन, बौनापन और कमजोरी जैसे कुपोषण के संकेतकों में लगातार सुधार देखा गया है। NFHS 5 2019 से 21 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक आयुष्मान भारत योजना